In this video, we will learn Picard's method. So this is a formula of Picard's method. Yn equal y naught plus integration of x naught to x f of x comma yn minus 1 dx. So here, I will take one question. Use Picard's method to approximate y when x equals 0.2. Given that y equals 1 when x equals 0 and dy over dx equal x minus y. So dekhiye. हमको क्या करना है, एक फंक्शन गिवन है. फंक्शन क्या गिवन है, x माइनस वाई. एंड आपके पास टू वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, विच इज x नॉट इक्वल जीरो एंड y नॉट इक्वल वन. अगर आपको बोला जाए गिवन डेट y इक्वल वन वेन x इक्वल टू जीरो, इट मीन्स वो आपके पास x नॉट y नॉट गिवन है. तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. हमको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हमको ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है y की जहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल 0.2. और पिकार्ड्स मेथड का एक जो वे होता है वो क्या है कि y की हम जब तक वैल्यू फाइंड करते हैं जब तक इसका आंसर, जब तक y हमारा सेम नहीं आ जाता. ठीक है, जैसे आपका सेम आएगा y की वैल्यू, वहीं पर आपका आंसर आपको मिल जाएगा. सो हमने यहाँ पर लिया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन. सो पुट n इक्वल टू 1 इन दिस फॉर्मूला, देन यू विल गेट y1 इक्वल y0 प्लस 0 टू x, जस्ट बिकॉज x0 इज 0. सो 0 टू x फंक्शन ऑफ x कॉमा y0. देखिए यहाँ पे आप पुट करेंगे n इक्वल टू 1, सो इट विल बी 1 माइनस 1 इज 0. सो जी एक्स कॉमा y0 dx. आप देखिएगा यहाँ पे y0 की वैल्यू आपके पास 1 है, तो हमने 1 पुट किया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x. एंड फंक्शन आपको जो गिवन है, जो फंक्शन हमको गिवन होता है, हमने क्या करना है, देखो x को आपको सेम रखना है बट y की जगह पर y0 पुट करना है. तो जैसे ही आप y की जगह y0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो आपको यहां से मिलेगा x माइनस 1. ठीक है, उसके बाद में हमने इसको इंटीग्रेट करना है. सो इट विल बी एक्स स्क्वेयर ओवर 2 माइनस x, लिमिट का यूज करेंगे 0 टू x, पुट दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन आपको आंसर मिलेगा y1 इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 माइनस एक्स. ठीक है, ये हमने y1 फाइंड कर लिया. अब हमने क्या करना है, पुट x इक्वल 0.2, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था 0.2 पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है y की. सो y1 में हम इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 0.2, देखिए 1 प्लस 0.2 टू दी पावर 2 ओवर 2 माइनस 0.2, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू तो y1 आपको मिल जाएगा 0.82. तो यहां से हमने y1 फाइंड कर लिया. सिमिलरली हमने सेम प्रोसेस को फॉलो किया y2 के लिए. सो पुट n इक्वल टू 2, देन यू विल गेट y2 इक्वल y0 प्लस x0 मतलब 0 टू x फंक्शन ऑफ x कॉमा y2 dx, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है. y1 आएगा, n माइनस 1 लगाएंगे तो 2 माइनस 1 इज y1. सो आपके पास यहां से वैल्यू आ गई. अब y0 प्लस 0 टू x, देखिए फंक्शन को रिप्लेस हम सेम कर देते हैं, जैसा कि गिवन है आपके पास x माइनस y है. अब y को रिप्लेस करना है y1 के साथ में, तो हमने यहां पर लिख दिया y1. देख सकते हैं आप, ये छोटा फंक्शन है, हो सकता है आपके पास और भी बड़ा कैलकुलेट करने के लिए हो, तो आपको सिर्फ x को नहीं रिप्लेस करना, y को रिप्लेस करना होगा जैसे जैसे हम अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते जाएंगे. तो अब हमने यहाँ पे देखिए x माइनस y1 आ गया. y1 आपने यहां से वैल्यू फाइंड की हुई थी 1 प्लस x नॉट ओवर x स्क्वायर ओवर 2 माइनस x, मैंने इस वैल्यू को पुट किया, माइनस है तो मैंने ब्रैकेट का यूज किया है, देन माइनस को ओपन करेंगे तो इट विल बी x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 2 प्लस x dx हो जाना है. उसके बाद में देखिए x एंड x 2x हो जाएगा, तो 2x माइनस x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1, जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, देन इसको हमने इंटीग्रेट किया. सो इट विल बी 2x2 ओवर 2 माइनस x क्यू ओवर 6 माइनस x. आपको पता है इंटीग्रेट कैसे करना है, बहुत छोटा सा है ये. एंड 0 टू x हमने इसमें लिमिट का यूज किया, सो इट विल बी y2 इक्वल x स्क्वायर माइनस x क्यू ओवर 6 माइनस x प्लस 1. तो यहां से आपने y2 फाइंड कर लिया. सेम प्रोसीजर, पुट x इक्वल टू 0.2 इन दिस वैल्यू मीन्स y2, देन यू विल गेट y2 इक्वल 0.83867. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों हमारे जो आंसर्स हैं ये ऑलमोस्ट सेम नहीं है. अब हमने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. पुट n इक्वल टू 3 इन दिस फॉर्मूला, सो यू विल गेट y0 प्लस x0 टू x f x कॉमा y2. सो y2 आपने वैल्यू को फाइंड कर लिया, सेम वे में इसको आप आगे प्रोसीड करेंगे, देन यू विल गेट y3. यहां तक का जो मैंने बता दिया है उसके बाद मैंने इसको सॉल्व नहीं किया. आपको कुछ प्रॉब्लम होती है आप मुझे इसमें
कमेंट कर सकते हैं. सो वाई थ्री आप फाइंड कर लेंगे, देन हमने वाई फोर फाइंड किया, देन वाई फाइव फाइंड किया. आप देख सकते हैं कि वाई फोर वाई फाइव पे जाके जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सेम आ गया. जैसे ही सेम आ गया तो आपको यहाँ पे आपकी वैल्यू मिल गई वाई की. तो आप लिख सकते हैं हैंस वाई इक्वल 0.83746 एट एक्स इक्वल टू 0.2, क्योंकि हम एक्स इक्वल टू 0.2 पुट कर रहे थे, हमने ऐसे करके इसमें वाई की वैल्यू को फाइंड कर लिया. ओके.